ठीक हाँ चलते हैं। हेलो सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम यू वर टॉकिंग अबाउट द लेंस, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इस क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर वन। कैन यू सी द बोर्ड प्रॉपर्ली? बोर्ड आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है? ओके, सो वी विल फर्स्टली स्टार्ट विद द बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स, बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। वी कैन फील देम थ्रू अवर स्किन, इन अवर फोरहेड, बैकबोन, रिब्स, एल्बोज, नेक्स एंड लेग्स। वो जो होते हैं, ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है और हम अपने बोन्स को फील कर सकते हैं अगर हम अपनी स्किन पर अपना हाथ रखें। We can find out on our sub body parts like our forehead, backbone, ribs, elbows। तो ये बॉडी पार्ट्स है जहां पर आप आसानी से अपनी बॉडी में बोन्स को फील कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। बोन्स गिव अवर बॉडी शेप एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। मसल्स आर लेयर्स ऑफ फ्लेश, दे कंट्रोल ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन एक्सर्ट। वी वुड नॉट एवर to run, stand, chew, or even blink without muscles. देखिए बोन्स का जो मेन वर्क होता है ये होता है हमारी बॉडी को शेप देना। You will easily find that many people are very long, few of them short, some of them are heavy and some of them thin, small. It's all because of their bones. उनकी बेंस बोन्स की साइज के अकॉर्डिंग उनकी साइज होती है। ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। और जो मसल्स होते हैं इनका काम होता है हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना। मसल्स के कारण ही हमारी बॉडी में प्रॉपरली मूवमेंट हो पाती है। जो मसल्स होते हैं एक्चुअली ये लेयर्स होते हैं, लेयर्स ऑफ फ्लेश। ये फ्लेश की लेयर्स होती हैं, यही मिलकर के हमारी बॉडी की मसल्स बनाती हैं। ये फ्लेश की लेयर्स है और ये मिलकर के हमारी बॉडी की मसल्स बनाती हैं। ठीक है, तो बोन्स का काम हो गया बॉडी को शेप देना और मसल्स का काम हो गया हमारी बॉडी को मूवमेंट देना। Now we will talk about our sense organs. Our sense organs. Sense organs एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है जो आप सब लोग जानते हैं। ये आप स्टार्टिंग की क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर वही सारे सेंस ऑर्गन से दीज आर द वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास सेकंड दैट आवर एबिलिटी टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील आर कॉल्ड सेंसेस।
We have five sense organs that help us in physically understanding what is happening around us. Our sense organs are eyes, ears, nose, tongue, and skin. Class second आपने पढ़ा था कि we have some abilities. हमारे अंदर कुछ qualities होती हैं. With the help of these qualities, we understand our surroundings. इन abilities के थ्रू हम अपने चारों ओर की चीजों को समझ पाते हैं. Qualities होती है see, hear, smell, taste, and feel. Whenever a baby born, जब कोई छोटा बच्चा भी जन्म लेता है तो वो स्टार्टिंग से ही इन सारी एबिलिटीज के थ्रू चीजों को समझता है. They can easily see the things, they can hear the voice, feel the smell, they can feel the taste, and also the feeling the other things. With these abilities, we all understand about our surroundings. तो ये abilities जो होती हैं, ये हमारे senses बोले जाते हैं. और इन senses को complete करने के लिए we have some body organs that are known as the sense organs. इन senses को work करने के लिए जो body organs support हो करते हैं, वो sense organs बोले जाते हैं. और ये सेंस ऑर्गन्स बहुत कॉमन है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. ये सेंस ऑर्गन्स आपके पहले की क्लासेस से भी आपने पढ़े हुए हैं. सी व्हिच वी डू विद आवर आईज, हियर दैट वी डू विद आवर इयर्स, स्मेल फ्रॉम नोज, taste with tongue, and feel with skin. तो ये सारे senses हो गए और ये सारे sense organs हो गए. ये abilities है जो हमारी body की होती है हमारी surroundings को समझने के लिए. और ये sense organs होते हैं जो इन abilities को work करने में help करते हैं. Now we will talk about these sense organs. Firstly, eyes. पहले हम आईज के बारे में बात करते हैं. Eyes help us to see everything around us, such as different people, colors, shapes, and sizes. They help us to read books. Eyes. हम जानते हैं कि eyes की हेल्प से we can see. Eyes. That are the sense organs, and see, that is the senses. So with the help of these, we can easily find about our surroundings. हम चीजों को देख करके अपने surroundings के बारे में जान सकते हैं. हमारे आसपास की चीजों का color कैसा है, चीजों की shape क्या है, इनकी size क्या है. All these things we can easily understand with the help of our eyes. इसके अलावा the most important which we do, that is the read books. ये सबसे जरूरी काम है जो कि हम लोग अपनी eyes की हेल्प से करते हैं. Since all of you are students, so definitely it is very necessary to take care of your eyes to read this activity properly. Now we also express our feelings with our eyes. Our eyes fill with tears when we are sad. They open wide when we are surprised and try to close when we are sleeping. ये जो कॉमन चीजें हैं जो हम इससे समझते हैं, इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट काम होता है जो हमारी आईज से, we express our feelings.
आईज की मदद से हम अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। जब भी कभी हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी आईज में टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। बहुत इजीली हम इसको शो ऑफ कर सकते हैं। और जब भी कभी हम सरप्राइज होते हैं, हमें किसी बात का आश्चर्य होता है, तो हमारी आईज वाइड हो जाती है। कहते हैं ना कि चौंक गए, आंखें चौड़ी हो गई, आईज बड़ी बड़ी साइज में खुल जाती है, तो इसमें आईज वाइड होते हैं। इसके अलावा व्हेनेवर वी फील स्लीपी, जब भी कभी हमें नींद आती है, तो ऐसे हमारी आईज खुद ब खुद क्लोज होने लगती है। तो विद द हेल्प ऑफ आईज वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अवर फीलिंग। सो आईज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस to do our actions. Some people have weak eyesight. Those who can see things that are close, but not the things that are far away are near-sighted. People who can see distant objects clearly, but not things nearby, such as the print in a book, are far-sighted. An eye doctor or ophthalmologist finds out the cause of weak eyesight and advises the use of spectacles or contact lenses. Spectacles and contact lenses help people see clearly. Some people are blind and contact see at all. अब eyes बहुत important होती हैं, ये body का बहुत important sense organ है। But few pupils are present. Some people have the weak eyesight. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आईसाइट वीक होती है, उन्हें चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। अब जिन लोगों में ये वीक आईसाइट होती है, वे नॉर्मली दो तरह के होते हैं। They are lot of टू टाइप्स। एक को बोलते हैं नियर साइट, नियर साइटेड, एंड द सेकेंड वन इज फार साइटेड। Near-sighted and far-sighted. Near-sighted उन लोगों की होती है जिन्हें दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती। और far-sighted वो होते हैं जिन्हें करीब की चीजें नहीं दिखाई देती। देखिए, नियर साइट और फार साइट, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। नियर साइट में क्या होता है कि ये वो लोग होते हैं चीजों को देख सकते हैं केवल वो चीजें क्योंकि उन्हें नजदीक है। जो चीजें दूर की होती है वो उन्हें ठीक से नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसमें जो चीजें होती हैं वो नियर की चीजें
ये नियर साइट एंड फार साइट, नियर साइट में पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, फार साइट में नियर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती है। अब बात करते हैं वी आर द डॉक्टर्स दैट आर ट्रीटेड दिस टाइप ऑफ पीपल। तो उन डॉक्टर्स को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आर द टाइप ऑफ डॉक्टर्स विच ट्रीट द पीपल दैट हैव द वीक आईसाइट। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है उनको जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं वो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स लोगों को दो एडवाइसेस देते हैं। एक, दे आस्क देम टू वियर द स्पेक्टेकल्स। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं जिनकी आईसाइट वीक होती है। तो ये नॉर्मल लोगों को स्पेक्टेकल्स यूज करने के लिए बोलते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने के लिए बोलते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज और स्पेक्टेकल्स की मदद से वो लोग आसानी से देख सकते हैं जिनकी आईसाइट वीक होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, time is to be over, or next week we will start from this topic again, because at this time this topic is not much so clear. Today we will discuss it with again. Thank you for all of you.